लखनऊ कलेक्ट्रेट के बाहर। आज नामांकन का अंतिम दिन है और सारे प्रत्याशी यहां पर आ रहे हैं नामांकन दाखिल करने। अभी कुछ समय पहले सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा, जो बहुचर्चित सपा उम्मीदवार हैं पूनम सिन्हा, क्योंकि समाजवादी पार्टी राजनाथ सिंह को कड़ी चुनौती देना चाहती थी, इसलिए लंबे समय से एक मंथन का दौर चल रहा था कि किसको लखनऊ से खड़ा किया जाए राजनाथ सिंह के खिलाफ। ऐसे में पूनम सिन्हा के नाम का चुनाव किया गया। अभी वो कुछ समय पहले नामांकन दाखिल करके यहाँ से निकली हैं। और ख़ास बात यह है कि इस बार कई निर्दलीय लोग भी लखनऊ संसदीय सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और सभी का दावा है कि इस बार राजनाथ सिंह को लखनऊ सीट से नहीं जीतने देंगे और उनके सामने कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे। आप देख सकते हैं कि लखनऊ कलेक्ट्रेट के बाहर जो आज अंतिम दिन है नामांकन का, कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अभी थोड़ी देर बाद सपा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रमोद कृष्णन, वो भी आ रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए, वो भी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। आज अंतिम दिन है और इस तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लखनऊ में अंतिम दौर का आज जो नामांकन का अंतिम दिन है, इसमें जो सपा उम्मीदवार हैं पूनम सिन्हा भी नामांकन दाखिल करके निकली हैं। आज वो एक रोड शो भी करेंगे और उनके साथ बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं, जिनमें काफ़ी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।